खीरे का रायता बनाने के लिए यहाँ पे दही लेंगे, उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से फेंटने के बाद खीरा लेंगे और खीरे को इस तरह से हम काट लेंगे और इस तरह से आगे पीछे से इसको हम थोड़ा सा कस के छिलके उतार लेंगे। एक बार हम छीलने के बाद इसको धो लेंगे। अब हम यहाँ पे कद्दूकस से इसको कस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कस लिया है, ये देखिए दोनों खीरे को मैंने इसमें कस लिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। एक हरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे, ऑयल डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे और अब इसको हम रायते में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें हम पुदीना डालेंगे। और ये लीजिए हमारा रायता तैयार है। इसको खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।